नमस्कार। आज हम एक साथ देखेंगे बिहार CCTNS एप्लीकेशन में ये सॉफ्टवेयर है, इसमें चार्ज स्थानांतरण कैसे होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं ये स्क्रीन पे ड्यूटी अधिकारी जो श्रीमान बबलू मरांडी हैं। अब हम देखेंगे कि श्रीमान बबलू मरांडी से ड्यूटी अधिकारी का जो चार्ज है वो किसी दूसरे अधिकारी के पास कैसे स्थानांतरण होता है। इसके लिए हम जाएंगे स्टेशन डायरी सनहा वाले रेडियो बटन पे, उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चार्ज स्थानांतरण, उस पर हम क्लिक करेंगे। चार्ज स्थानांतरण के बाद ये पेज ओपन होगा, इस पर हम लोग देखेंगे कि अब बबलू मरांडी से जो अभी का ड्यूटी अधिकारी हैं तेल्हारा थाना का, उससे हम किसी दूसरे कर्मचारी को, दूसरे अधिकारी को ड्यूटी अधिकारी का चार्ज स्थानांतरण करते हैं। इस पर सबसे पहले हम कर्मचारी खोजेंगे। मैंने यहाँ पे एक कर्मचारी खोजा, श्री कामेश्वर साह जी को, इनको मैंने चुना। अब ड्यूटी अधिकारी का जो चार्ज है वो हम श्रीमान कामेश्वर साह जी को स्थानांतरित कर रहे हैं। ये कार्यभार जो है कामेश्वर साह को सौंप दिया गया। अब हम कामेश्वर साह के आईडी से लॉगिन करेंगे और फिर जो ड्यूटी अधिकारी का चार्ज बबलू मरांडी से स्थानांतरण होकर कामेश्वर साह के पास गया है, तो अब देखेंगे कामेश्वर साह और ड्यूटी अधिकारी का चार्ज कैसे स्वीकार करते हैं। ये मैं कामेश्वर साह के लॉगिन आईडी से, जो एक डमी लॉगिन आईडी है जो ट्रेनिंग के उद्देश्य, प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है, इस नाम से कोई पुलिस अधिकारी अगर एग्जिस्ट कर भी रहे होंगे तो वो इनका आईडी ये नहीं होगा, उनका आईडी कोई दूसरा होगा। ये मैंने कामेश्वर साह जी के नाम से लॉगिन किया। अब मैं फिर वही स्टेशन डायरी सना में चार्ज स्थानांतरण में जाऊंगा। अब यहाँ देखिए कार्यभार ग्रहण करे बबलू मरांडी ने ड्यूटी अधिकारी का चार्ज स्थानांतरण कर दिया था कामेश्वर साह के नाम पे। अब कामेश्वर साह अपने लॉगिन से जैसे लॉगिन करते हैं वो कार्यभार स्थान ग्रहण करते हैं। यहाँ देखिए प्रभार बबलू मरांडी से कामेश्वर साह ने सफलतापूर्वक स्थानांतरित हो गया। इस तरह से हम चार्ज स्थानांतरण CCTNS एप्लीकेशन में कर सकते हैं। धन्यवाद।